अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत है आप लोगों के? अच्छा भाई, अब मैंने जो है तहरान साहब को पिक कर लिया है दोबारा शो से ना, अभी आप लोगों के सामने मैं शो में उसको छोड़ने के लिए गया था, अब आया हूँ, उसको पिक कर लिया है मैंने, वो मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ है। हाँ भाई तहरान साहब, कैसा रहा शो आज का आपका? यार हार गए, असल में मैंने जैसे कहा था वैसे ही हुआ कि कैप्टन सिलेक्ट किया सर फैसल ने, कहा मैं खुद सिलेक्ट करूँगा। सही है, हमारा कैप्टन जो था ना वो उसमें कैप्टन बॉसी लुक था, बॉसी लुक था तो वो टीम को मैनेज नहीं कर पाया, गेम उतनी मर्जी से खेलने चले गए लोग, वरना तो अब मेरा तो मूड था आज ही फाइनल करने का ना, आज ही पूरा खत्म गया, मगर ये हुआ कि आज हम लोग हार गए, मगर इंशाल्लाह देखो कल पर्चियां जो डलेंगी ना कल, आज उन लोगों ने बताया जिसमें हफ्सा होगी, सरीश है, मैं और हमारी टीम से बिलाल और सोनू, पांच लोगों की पर्चा डलेगी, जिसका नाम आ गया वो कैप्टन कैप्टन बनेगा। तो मेरा तो है कि हफ्सा या हरीश है, इनमें से कोई एक बने कैप्टन। यार मैं चाहता हूँ तुम बनो। यार देखो जो नसीब में होगा ना वो कैप्टन बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा मुझे बनाए, मैं कह रहा हूँ जो मतलब टीम को लीड कर सके उसको फाइनल में कैप्टन बनाया जाए तो ही टीम जीत सकती है, अदरवाइज नहीं जीत सकती। अगर इंशाल्लाह कल बैच देंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि गेम्स डिफरेंट होंगे, नए गेम्स होंगे, ना उन्होंने खेले होंगे ना हमने खेले होंगे, मजा आएगा, फिर पता लगेगा कौन कितना पानी में। तो ये एक ऐसी चीज का इंतजार है, स्टे ट्यून्ड, फाइनल वाला ब्लॉग भी देखना ना भूलिए, बिल्कुल लाजमी देखिएगा। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अगर तुम बनते हो ना कैप्टन बनते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मुझे लगता है कि तुम जो है अच्छे से मैनेज कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बॉसी लुक भी है और बॉसी तुम्हारा करेक्टर भी है, तो तुम आई होप तुम कर सकते हो। मेरा देखो सबको पता है कि मैं अभी तक कैप्टन नहीं बना पूरा सीजन में, मैं पहले इंस्टाग्राम पर था, फिर मेरी शिफ्टिंग हुई टिकटॉकर्स में, एलिमिनेट हुआ था बीच में, निकाल दिया गया था, फिर वापस लेकर आए, फिर उसके बाद मुझे टिकटॉकर्स में डाला जो मेरी पुरानी एक्स टीम है, ऐसा ही है। तो फिर ये हुआ कि जो अपना मैं टिकटॉकर्स में आ गया, अब मुझे टिकटॉकर्स में भी मौका नहीं मिला है कि जो है ना मैं उनको कैप्टन बनूँ वहाँ पे ना, मगर अब मैं चाहता था कि मैं फिनाले में ही बनूँ, मगर मुझे पता है पर्चियों वाला सीन हो गया ना, फिनाले में मैं ही बनता, अब देखते हैं पर्चियों में जिसका नाम आएगा वो बनेगा। यार चलो देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक है, यही होगा। बाकी अभी हम लोग जो है घर जा रहे हैं, अब यहाँ से घर जाएंगे, उसके बाद जो है और थोड़ी सी बातें करेंगे तहरान साहब के साथ, फिर आप लोगों को और दिखाएंगे। अभी ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि क्या बताएं यार, रात के अभी मेरे ख्याल में 11 बज रहे हैं, 11 बज रहा है और इस टाइम भी बड़ा ट्रैफिक हो रहा है यार। 11:20 हो रहे हैं, 11:20 हो रहे हैं, 10 मिनट में आपको घर पहुंचाना है, मम्मा ने खाना रेडी कर दिया आपकी। अरे हाँ यार, खाना रेडी हुआ है तुम्हारे लिए, तुम्हारी पसंद का खाना भी बना हुआ है। चलो भाई, इन्होंने जो है फरमाइश की थी कि भाई मैं घर आऊंगा और जो है कीमा होना चाहिए। नहीं, कौन सा कीमा? सीख कीमा मेरा और तहरान साहब का जो है फेवरेट है, तो भाई कीमे की तो फिर बात ही अलग है ना, उसके साथ तंदूरी की रोटी हो, रायता और केचप, अलग ही सीन हो जाता है। चले तहरान साहब, बेस्ट ऑफ द लक, कंटिन्यू करते हैं घर चल के जो इंशाल्लाह कंटिन्यू करता है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।